हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं लोहिया पथ चक्र, जो कि कई रास्तों से ये बना है, कई रास्ते इसमें निकले हुए। तो चलिए, इसमें बहुत सारा भी काम बाकी था, सिर्फ वो आम लोगों के लिए चालू कर दिया था, बाकी सीढ़ी वगैरह ऊपर का फर्मा वगैरह लगाना बाकी था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, ये रास्ता सीधे आर ब्लॉक होते हुए पटना जंक्शन की ओर चली जाती है, और यहाँ पर इसके कुछ डिजाइन है। देखिए, इस साइड ये वाला से जाइएगा आप तो विकास भवन की ओर चले जाइएगा, यूँ समझिए कि आप राजा बाजार चले जाइएगा, और इसी से एयरपोर्ट भी। और ये जो है ये वाला रास्ता, ये बोरिंग कैनाल रोड चला जाएगा, और ये भी आयकार, मतलब मिला जुला करके बात एक ही है, ये राउंड होकर के फिर घूमते हुए चले जाइएगा। तो ये जाने के लिए इस तरफ से, यहाँ पर भी सब कुछ है जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, और उस तरफ से आने के लिए। तो यहाँ पर आने के लिए, तो मैं चलिए दिखाता हूँ कि क्या वर्क स्टेटस है, कुछ बदला है क्या, कुछ बदला हुआ है। और ये रास्ता काफ़ी बिजी है, तो मैं साइड से चलूँगा। अभी गाड़ियाँ आपको नहीं दिख रही होंगी, लेकिन इस पर बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ से आपको खूबसूरती झलक रहा होगा, और हर लेन को इस तरीके से घेरा गया है कि कोई भी एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं कर सकता है। इट मीन्स कि मैं भी अभी, हमें रोड उस तरफ जाना है, तो देखता हूँ कैसे क्या इसकी इंतज़ाम की गई है कि मैं उस साइड रोड क्रॉस कर सकता हूँ, यानी कि राइट से लेफ्ट में हमें जाना है। और यहाँ पर रूट देखने में कुछ और रहेगा, लेकिन वो निकलेगा कहीं और, तो इस पर बहुत सोच समझ के गाड़ियाँ चलानी पड़ती हैं। तो एक मुश्किल भरा रास्ता, मुझे रोड क्रॉस करके उस साइड जाना है, लेकिन अभी तक क्रॉसिंग हमें नहीं मिली है, और अभी तक आम पब्लिक के लिए इसमें ध्यान नहीं दिया गया है कि लोग एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे कैसे जाएंगे। तो चलिए देखता हूँ, कुछ अगर बन रहा होगा ऊपर से तो ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को। जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ, ये बोरिंग रोड से आती है, सीधे बोरिंग रोड है, और इस साइड से भी आती है, यानी कि बेली रोड से आती है, और ये तीन तरफ को कनेक्ट करती है। एक जिनको फिर से बेली रोड पर जाना है वो, या फिर जिनको जंक्शन की ओर जाना है वो है, और फिर जिनको वहीं से वहीं टर्न लेना है, जो बेली रोड से आके फिर से बेली रोड में इन करेंगे, तो वो। तो यहाँ पे 49 रास्ते एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और जिनकी शाखा यही बीच वाली है, एक और एक आगे है, तो दो शाखाएं हैं। देखिए, उसी से सारे रूट निकलते हैं, कैसे कैसे किनको टर्न लेना है, तो यही तीनों चीज़ें। चलिए देखता हूँ, कुछ और यहाँ पर काम चला था टनल के लिए, तो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी ये आम लोगों के लिए सीढ़ियाँ वगैरह क्या बनाई जा रही है, जैसे जैसे कुछ होगा मैं दिखाऊंगा। रास्ता ब्लू वाला जो गाड़ी आ रहा है वो बेली रोड से आ रहा है, यानी राजा बाजार साइड से आ रहा है, दानापुर साइड से आ रहा है। ये ब्लैक वाला जो कार आ रहा है ये बोरिंग रोड से आ रहा है, तो ब्लैक वाला जो कार जा रहा है वो फिर से बेली रोड में चला जाएगा, या फिर अटल पथ होते हुए और जंक्शन की ओर चला जाएगा, या फिर जो ग्रीन वाला इस तरफ ऑटो जो देख रहे हैं ये जंक्शन की ओर चला जाएगा। इसी तरीके से रास्ते बहुत सारे हैं, एक ही रास्ता से यहाँ से सारे रूट निकलते हैं। और अभी ये सीढ़ी का जो काम है तो वो हो ही रहा है, हमें लगा था कि आम लोगों के लिए चालू कर दिया गया होगा, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन नहीं हुआ है। और ड्रेनेज का इंतज़ाम आप देख सकते हैं, तो फिर से हमें उस पर जाने के लिए और ऐसे निकलना पड़ेगा। तो बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, घूमने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, देखने के लिए ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बिजी है, और मैं मॉर्निंग से वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए ये पता नहीं चल रहा है, ये काफ़ी बिजी रूट है, हर पे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं अपने हिसाब से। देखिए आप, तो हर रोड का एक ही यू टर्न भी है, जैसे तो ये जो देख रहे हैं ये यू टर्न है, यानी जो इनकम टैक्स से आएंगे और फिर से इनकम टैक्स की ओर चले जाएंगे, तो ऐसे यू टर्न हो जाएगा जैसे बाइक वाला जा रहा है। और उसी तरीके से जिनको बोरिंग रोड जाना है, तो ये जो गाड़ी जा रही है ये जा सकते हैं, और आने के लिए फिर उस तरफ से गाड़ियाँ उतर रही हैं, तो है, तो बहुत सारे रास्ते हैं। चलिए अब जो काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं, यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ओल्ड म्यूजियम को न्यू म्यूजियम से कनेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पर लगभग 17 से 20 मीटर डाउन में एक टनल होगा 1.5 किलोमीटर का, लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, और उसे भी बनाने का जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली मेट्रो जो है उसे दी गई है, और उसमें L&T है। नाम मैं अंदाज़ा से बता रहा हूँ कि L&T को ही दिया जाएगा, लेकिन मेन जो प्रोजेक्ट है वो दिल्ली मेट्रो को दी गई है, तो उसमें तो L&T ही काम कर रही है। तो चलिए आगे का जो इस तरफ का काम है वो दिखाता हूँ मैं। वैसे मैं बता दूँ आपको कि बड़ी बड़ी क्रेनें यहाँ लगी हुई हैं, तो देखिए हो सकता है अंदर में काम चल रहा होगा या नहीं भी, मैं सिर्फ अंदाज़ा बता रहा हूँ, लेकिन काम होने वाला है। और बाकी जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, तो ये सीधे राजा बाजार होते हुए दानापुर को कनेक्ट करती है सीधे इस ओर, और इस साइड इनकम टैक्स होते हुए और पटना जंक्शन चले जाइएगा, गांधी मैदान चले जाइएगा, और नीचे वाला ये रास्ता बोरिंग रोड चले जाते हैं, या यू टर्न होते हुए फिर से आप इसी रोड में आगे निकल जाइएगा। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट साइड है, जहाँ पर अंडरग्राउंड के लिए रास्ता बनाया जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है पर यहाँ प्रोजेक्ट साइड भी हो सकता है, लेकिन काम यहाँ पर आगे हो रहा है। देखिए अब टीमें लगी हुई हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हो, मेरा सिर्फ समझाने का प्रावधान ये है कि आप समझ जाए कि काम यहाँ पे होने वाला है। और सामने जो देख रहे हैं वो अटल पथ है, यानी आर ब्लॉक से दीघा तक जो पहले जो रेलवे लाइन थी, पटना दीघा रेलवे लाइन, तो उसी पे वो रोड बनाया गया, और ये आम लोगों के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। देखिए आप, लेकिन कब ये चालू होगा
पता नहीं, देखिए उसी से वो कनेक्ट होगा। तो और ये आम ही लोगों के लिए रास्ता है जो अभी मिट्टी भरा हुआ है पूरा, तो लोग एक तरफ से दूसरी तरफ रोड क्रॉस करना होगा तो इसी का रुक लेंगे। और अभी कुछ ऐसा है तो ये रास्ता यू टर्न कहिए या आने के लिए कहिए या बोरिंग रोड जाने के लिए कहिए, और वो रास्ता जो देख रहे हैं वो जो सीधे चली जाएगी तो वो जंक्शन की ओर चली जाएगी। अब वो एक तरीके से यू टर्न है राजा बाजार को, राजा बाजार से वापस मोड़ने के लिए। सामने यहाँ पर काम चल रहा है, तो यहाँ पर ढलाई वगैरह का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। काम क्या बनता है वो तो टाइम के हिसाब से बताऊँगा, और इस तरह के काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो जो भी कुछ निकल करके आएगा मैं जैसे कंटिन्यू अपडेट हर जगह का देता हूँ, यहाँ का भी देता ही रहूँगा। रोड उस तरफ भी इसी तरीके से सेम टू सेम बन रहा है, लेकिन रोड बहुत बिजी होने की वजह से क्रॉस करने में बहुत टेंशन होती है। सीढ़ी रहता तो मैं ज़रूर क्रॉस करता, लेकिन कोशिश तो करना है किसी भी हाल में। ठीक उसी साइड जैसे मैं रोड उस तरफ दिखाया तो रोड इस तरफ भी उसी तरह है। तो ये जगह शायद ऐसा लगता है जैसे ग्रीनरी के लिए रखा गया है, और एक यहाँ पर सीढ़ी था कहीं पर उतरने उतरने के लिए, लेकिन शायद तोड़ दिया गया हो, जो भी हो। और इस तरफ जो गाड़ी आ रही है हरा वाला वो राजा बाजार साइड से आ रही है, यानी दानापुर साइड से आ रही है, ये जो भी लेन है। और देखिए यहाँ पर भी बोरिंग रोड की ओर चली जाती है अंदर में, बोरिंग कैनाल रोड के अंदर में। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का फर्मा वगैरह बना करके रखा हुआ है, तो देखिए क्या होता है। और रोड इस तरफ ये बोरिंग रोड से आने के लिए है, वो यू टर्न या बोरिंग रोड की ओर जाने के लिए, और उसी तरीके से सेम इस साइड कुछ बन रहा है। तो एक सीढ़ी टाइप का बनाया जा रहा है अंडरग्राउंड टाइप का, तो देखिए क्या होता है। ये लोग इससे चढ़ करके या फिर यहाँ पर चढ़ेंगे फिर रोड क्रॉस करेंगे, तो ये सिर्फ मेरा अनुमान है। लेकिन वर्क चल रहा है, जो पहले से जो बचा हुआ काम था उसको आगे पहुँचाया गया। तो यही मेरा अभ्यास था, प्रयास था इसका वर्क दिखाने के लिए। बाकी लाइट वगैरह की व्यवस्था अच्छे से की गई है। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो बेली रोड का कुछ झलक ऐसा है जो बोरिंग रोड की ओर जाती है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।